गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। ओके स्टूडेंट, सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस, दैट इज SST। ओके, सो ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 35। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टडीज। सो चैप्टर नंबर 7 रिक्रिएशन हमारा कंटिन्यूशन में था। रिक्रिएशन मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो कि पीपल अपने इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हमने क्या क्या इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके थे, रिक्रिएशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती है और वो हॉबीज़ उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और कुछ गेम्स भी इन्होंने रिक्रिएशन में बताए हैं, जैसे कि कुछ गेम्स हम आउटडोर खेलते हैं तो आउटडोर गेम्स हो गए, और इनडोर गेम भी रिक्रिएशन एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। बिसाइड्स गेम देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन लाइक विजिटिंग अ जू और अ सर्कस। मैनी चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स। तो रिक्रिएशन में इसमें हमें ये पता लगता है कि रिक्रिएशन में सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, चाहे गेम्स हों या फिर अगर हम कोई जू या सर्कस विजिट करने जाएँ, पार्क विजिट करने जाएँ, या बहुत सारे चिल्ड्रन को फ्लाई काइट करना बहुत पसंद होता है, काइट्स को फ्लाई करना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी रिक्रिएशन में इंक्लूड होती हैं। अ जू इज़ ए इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। एक जू बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है विजिट करने के लिए। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देयर। हम वहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स एनिमल्स को देख सकते हैं। सर्कस, सर्कस क्या होता है, अ सर्कस इज़ अनदर प्लेस वेयर वी कैन इंजॉय आवर सेल्व्स। सर्कस एक दूसरी जगह है जहाँ पर हम खुद से ही खुद का इंजॉयमेंट कर सकते हैं, लाइक हम कुछ देख रहे हैं और उससे हमारा इन्जॉयमेंट होता है। मैन एंड एनिमल परफॉर्म एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, मतलब लोग और कुछ एनिमल्स मिलकर कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। द एंटिक्स ऑफ द क्लाउन मेकर्स लाफ। एंटिक्स यानी कुछ एंटिक चीज़ हो गई या कुछ अलग सी अजीब सी चीज़ हो गई जो कि हमें क्या करवाती है, लाफ करवाती है, हमें खुश करती है, ठीक है। वेन वी आर एट होम वी एंटरटेन अवर सेल्स बाय वॉचिंग टीवी। जब हम घर पे होते हैं तब हम खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं, या टीवी वॉच करके, या फिर कुछ म्यूज़िक सुनकर, है ना, या फिर हमारी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 36। वी ऑल नीड फ्री टाइम फॉर रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। हम सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ्री टाइम चाहिए होता है रिलैक्सेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए और रिक्रिएशन के लिए। एस दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन। हम रिलैक्स्ड और फ्रेश फील करते हैं, जैसे हम कुछ थोड़ी देर पार्क में जाया है, या हम कहीं घूमने चले गए, हमने थोड़ी देर सॉन्ग सुन लिए, तो हमारा स्ट्रेस बिल्कुल डाउन हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिक्रिएशन हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थोड़े थोड़े टाइम में हमें ब्रेक लेना चाहिए, इवन वंस अ वीक हमें ब्रेक लेना चाहिए और कहीं जाना चाहिए, नॉट एट दिस टाइम बिकॉज पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम पे नहीं जाना है बाहर। घर पे आप अपना रिक्रिएशन करें, टीवी देखें या कोई नई नई एक्टिविटीज़, ड्राइंग वगैरह सीखें, ठीक है। तो घर पे ही अपना रिक्रिएशन एक्टिविटी करें। ओके, सो फॉर टुडे चिल्ड्रन वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 7। फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू फिल दिस बॉक्स। हमने पढ़ा इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है, या इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, तो आपको इसमें वही फिल करनी है। कुछ आपको यहाँ पर गिवन है, साइकिलिंग, प्लेइंग हॉकी। अब साइकिलिंग है तो अपन घर में तो कर नहीं सकते, वो तो हम बाहर करेंगे, तो वो आउटडोर में आ गया। लाइक कुकिंग, कुकिंग इंडोर होता है तो वो इंडोर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सब में से क्या करना है, ये जो ऊपर के है, साइकिलिंग, प्लेइंग हॉकी, गोइंग ऑन ए पिकनिक और प्लेइंग फुटबॉल, ये 4 तो हमारे आउटडोर में आ जाएंगे, एंड रीडिंग, कुकिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग टेलीविज़न हमारा इंडोर में आ जाएगा। तो ये आपको आपके बुक में ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट, सो डू कम्प्लीट योर होमवर्क एंड सबमिट इट ऑन द व्हाट्सएप। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।